हेलो फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं एक वीडियो के साथ। आज हम जा रहे हैं, एक हमारे भाई ने कहते हैं एक कार वॉशर का एक वो खुला है, शॉप खोली है। आज उसने हमें इनवाइट किया है और आज आप उसकी वॉशिंग दिखाते हैं कि वो किस तरीके की सर्विस दे रहा है। और हमें उसने हमारी गाड़ी वॉश करने के लिए बुलाया है। आप देख सकते हो गाड़ी कितनी गंदी हो रखी है, ठीक है ना। अभी बाहर से दिखाएंगे और उस भाई का कहते हैं आने ही वाला है, तो हम आपको दिखाएंगे। कहते हैं इसी रोड पर है। पवन जी कौन सा है भाई ये, कहते हैं कौन सा एरिया है? सेक्टर 9 बड़ोली, बाईपास वाले रोड के ऊपर, ठीक है ना। तो यहीं पर है, कहाँ पर है मतलब उनका? यहीं पर ही है, ऑटो फैक्ट्री के बगल में। अच्छा, आज उनकी सर्विस देखते हैं कि सर्विस किस तरीके की है, आपके शेयर करेंगे कार वॉशिंग के लिए। ऑटो फैब के बगल में बताया था ना, ये ऑटो फैब का बोर्ड लग रहा है, ये सीएनजी पंप से थोड़ी सी आगे यही है सर। अच्छा, ये अच्छा, ये खोला इन्होंने है भाई। चलो देखते हैं और दिखाते हैं आपको गाड़ी की कंडीशन, दिखा देते हैं आपको कि कितनी गंदी हो रही है। हाँ बिल्कुल, गाड़ी हो रही है बिकट गंदी।
रहे थे कि वॉशअप के ऊपर क्या नाम है, हमें इनवाइट किया गया है गाड़ी वॉश कराने के लिए। और आप ये गाड़ी देख सकते हो, ये गाड़ी वही है जिसके अंदर डेल्टा वेरिएंट, जिसके अंदर हमने सीएनजी लगाई थी और भाई का फीडबैक लिया था। और उनके ये बड़े भाई हैं अमित, इन्होंने खोला है यहाँ पे ये वॉशअप, से कहते हैं कार वॉशर खोला हुआ है। और इन भाई साहब पूछते, भाई आपकी गाड़ी कितनी चल गई है? गाड़ी हमारी 36,000 किलोमीटर चल चुकी है। 36,000 किलोमीटर चल गई, कोई दिक्कत आ रही सी इंजन का? बिल्कुल, सेटिंग कराई आपने उसके उस दिन के बाद? उसके बाद सही है, बिल्कुल बढ़िया चल रही है। और वो आप देख रहे हो क्या नाम है, ये वो वाले भाई हैं साहिल, जिनका हमने लिया था, इनके इनके बड़े भाई हैं। और इन्होंने कार वॉश के का खोला हुआ है आज, हम इनका वो भी देखने आए थे। और गाड़ी का भी, गाड़ी के बारे में जान लेंगे। इन्होंने गाड़ी के अंदर पहले आपने देखा था कि डेल्टा इन्होंने प्रॉपर डेल्टा बना दी है, पहले थी ये सिग्मा। आप लग नहीं रहा कि आपके कहीं से भी क्या नाम है ये गाड़ी सिग्मा हो, प्रॉपर इन्होंने फुली कन्वर्ट कर दी है। बस कुछ दिनों के बाद इन इस गाड़ी के अंदर ही भैया एलो व्हील अपग्रेड और कराने वाले हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि इस गाड़ी का क्या लुक आ रहा है। तो ओवरऑल भैया अभी ये गाड़ी कितनी एवरेज दे रही है आपकी सीएनजी के अंदर? 600 किलो के हिसाब से तो कभी मैंने नापी नहीं है, बट फुल करवाता हूँ 400 रुपये, 400 रुपये तक फुल हो जाती है। 400 में कितना दे देती है सीएनजी उसके एसी के अंदर? 220 दे देती है, कहते हैं मतलब बढ़िया, मतलब आराम से अगर हम चले, गाड़ी में कोई दिक्कत आ रही हो, झटके वटके की, कहते हैं कुछ भी नहीं, बढ़िया चल रही है एकदम। अभी सीएनजी खत्म हो गई थी, पता भी नहीं चला था कब पेट्रोल में स्विच हो गई, वो तो ऑटोमेटिक स्विच हो ही जाती है आजकल। आजकल मैं पिकअप की बात कर रहा हूँ ना, पावर की वो पता नहीं चलता इसमें कई बार ना, तो गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही है। हाँ बिल्कुल, देख लो गाड़ी की, कहते हैं गाड़ी भैया ने बहुत मेंटेन अच्छी कर रखी है। ये साहिल भैया हैं, ठीक है ना, वो उनके बड़े भाई थे। और ये वॉशअप इन्होंने खोला है और भैया ने इन्वाइट किया था। ये वही बलिनो वाले हैं जिनकी गाड़ी के अंदर हमने सीएनजी लगवाई थी। भैया ये आपने कब खोला? परसों 20 तारीख को खोला इन्होंने, ठीक है ना। और ये भैया कहाँ पे खोला है? नौ सेक्टर बाईपास रोड पे। तो आप मतलब कि क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो अभी इसके साथ? वॉशिंग है, ड्राई क्लीनिंग है, रबर पेंट है, कोटिंग है। अच्छा, सारी फैसिलिटी मतलब कि कर रहे हो, कहते हैं। और रीजनेबल प्राइस पे, कहते हैं रीजनेबल प्राइस है। और विद इन 3 किलोमीटर पे कैन ड्रॉप सर्विस दी, पिकअप ड्रॉप भी सर्विस दे रहे हो, क्या नाम है, 3 किलोमीटर के अंदर, कहते हैं। तो और एक चीज़ और था, क्या नाम है, कि जो आपकी गाड़ी के अंदर हमने जो सीएनजी लगाई थी, क्या नाम है, उस गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी आ रही है? अभी आपके बड़े भाई से बात की थी हमने, अमित से, परफॉर्मेंस में अभी 1% भी गिरावट नहीं है जब से सीएनजी लगी। पेट्रोल सीएनजी में कुछ अंतर आया हो, कहते हैं कुछ ऐसा? कोई अंतर नहीं है, बढ़िया चल रही है, मौज आ रही है, बड़े एकदम चल रही है। हाँ बिल्कुल, कोई दबाव नहीं है गाड़ी पे। अब अभी कितने किलोमीटर चल चुकी हो? मैं बता रहा हूँ, लोग हंसेंगे मेरे को। क्यों? मैंने बहुत चला दी हूँ। मतलब कितनी चला दी आपने, कहते हैं वो चले गए जी 8 महीने में 36,000 किलोमीटर। 8 महीने में 36,000 किलोमीटर चला दी। अगर पेट्रोल पे होता तो मतलब क्या, मतलब कितनी कॉस्ट आती है आपके पेट्रोल पे? अगर मैं चला तो चलती तो वो इतनी, क्योंकि रनिंग है गाड़ी की इतनी, पर उसकी आती 6-7 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से मान के चल लो ना आप। 6-7 के हिसाब से चलो, कम से कम भी ना। मैं वैसे बताऊँ तो 9,000 किलोमीटर सीएनजी लगवाई थी, तब तक उसमें मैं 35,000 रुपए का तेल डलवा चुका था। 35,000 रुपए का तेल डलवा चुके थे, अभी 38 चल चुकी है। तो मतलब कि फुली सेटिस्फाई हो ना अपनी गाड़ी से, अरे, कहते हैं फुली। और लोगों को रिकमेंड करोगे सीएनजी पे जाने के लिए? इसमें लग गई मेरे रिकमेंडेशन से 4 ने और लगवा ली, ग्रैंजा में लगवा ली, बलेनो में लगवा ली, और एक सोनेट में लगवाने को कह रहा है। सोनेट में दिल्ली नंबर है, वो चढ़ेगी नहीं, इसलिए मैंने मना कर दिया। हाँ ये तो बात है, कहते हैं। तो भैया ने देख लीजिए पूरा अच्छा सेटअप बना के रखा हुआ है, क्या नाम है गाड़ी के। आज भैया के बुलाने पे हम आए थे और दिखा देते हैं, भाई ने कहते खूब बड़े एकदम पूरा वो कर रखा है। ये भैया का कार्ड है और 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर पिकअप, फ्री पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी है। ये भाई इंस्पेक्शन करते हुए गाड़ी का, कहते हैं वॉशिंग के बाद कि कोई कमी ना हो। कर दे बोनट बंद, इंजन एकदम चमका दिए हुए हैं।
साफ करके उतार दे।